हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूँ ब्लेडकॉम के बारे में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ब्लेडकॉम यानी ब्लेडकॉम का यूज़ कैसे करते हैं, ब्लेडकॉम होता कैसे है, उसके पार्टीशंस कितने होते हैं, उसमें ब्लेड कैसे लगाई जाती है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करते, उस तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक आप जरूर देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। वीडियो में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है क्योंकि ये ओप्पो का कैमरा है, इसलिए इसमें क्लियरिटी नहीं है। मगर दोस्तों, क्लियरिटी में मत जाओ, आप वीडियो को पूरा देखोगे। 2 मिनट भी लगेंगे आपको ये वीडियो कंप्लीट करने में, मगर इसका रिजल्ट आपको जरूर पता चलेगा। दोस्तों, तो वीडियो को लंबी ना करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का ब्लेडकॉम आता है, और इसके जो पार्टीशंस होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे कि मैंने जब ये ऑनलाइन मंगाया, 3 महीने पहले मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, तो 3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तभी जाके मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका अनबॉक्सिंग, यानी जो उसका ऊपर का जो कवर होता है, जो कॉम का, जनरली आप कॉम देखते हो तो कॉम में कोई कवर नहीं होता, सिंपली नॉर्मल होता है। तो इसमें कवर दिया है, और इसके अंदर एक ब्लेड होती है दोस्तों, पूरी ब्लेड होती है, आधी कटी हुई ब्लेड नहीं होती। बहुत से जो उस तरह जो होते हैं उसमें कटी हुई ब्लेड डालते हैं, मगर इसमें कटी हुई ब्लेड में पूरी की पूरी ब्लेड डालनी पड़ती है। और कुछ इस तरह से ये विदाउट ब्लेड दोस्तों कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। तो सिंपली इसको अप्लाई करते समय ब्लेड, यानी कॉम अप्लाई करने से पहले इसके अंदर ब्लेड डाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लेड डाल चुका हूँ, और जो कवर होता है, कवर को कुछ इस तरह से मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिक्स करवा दिया। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रही होगी वीडियो में जो ब्लेड दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, और इसके जो 3 या 4 mm पॉइंट ऐसे बाहर निकल के आते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है दोस्तों, जिनकी बियर्ड जो होती है बहुत बड़ी होती है, या जो बियर्ड बड़ी रखना पसंद करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है, तो सिंपली दोस्तों जो पहले इसको कॉम कर लेना है, इसको कॉम करने के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन से एक छोटा कॉम दिया है, ठीक है। और जिनकी बियर्ड बहुत बड़ी होती है तो कुछ कुछ बाल ऐसे बाहर निकल जाते हैं, कितना भी सेट करोगे, जेल लगाओगे, वैक्स लगाओगे, तभी भी कुछ कुछ बाल होते हैं बाहर निकलते हो। तो वो बाहर निकले हुए बाल को कट करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे कि मेरी बियर्ड तो अभी बहुत छोटी है, अभी इस पर ब्लेड कॉम भी करूँगा तो कुछ कटने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे जो बियर्ड है वो टीने में है। मगर जिनकी बड़ी बियर्ड होती है उनको अगर कॉम करूँगे तो जो ब्लेड लगी हुई है उसमें जो बाहर की जो निकली हुई बाल है वो सिंपली कट ऑफ होकर इसमें आ जाएंगे, और बियर्ड भी बहुत शानदार दिखेंगी, और बियर्ड भी बहुत अच्छी दिखेंगी। तो दोस्तों, और दूसरा यूज़ होता है दोस्तों, जब हम कटिंग करते हैं या किसी सैलून में जाते तो हम जरूर बोलते हैं कि आपके पास ब्लेड कॉम है क्या। मैं तो दूसरे को नहीं पता, मगर मैं तो खुद बोलता हूँ कि आपको पास ब्लेड कॉम है क्या। ब्लेड कॉम अगर होगा तो कटिंग की जो फिनिशिंग होती है, कटिंग तो कर लेते हैं, मगर जो फिनिशिंग होती है, जो बारीक बारीक फिनिशिंग होती है, जैसे कि मेरे यहाँ पर मैंने कटिंग कर चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो मेरे एक भी बाल बाहर नहीं आए। तो सिंपली दोस्तों, मैं सबसे पहले इसको कॉम कर लेता हूँ। कॉम करने के बाद जो जहाँ जिस एंगल से जो ब्लेड लगी हुई है उस एंगल से मैं हल्का जो ब्लेड कॉम है हल्का अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे कुछ बाल आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बाल जो है मेरे वाले आ चुके हैं। तो प्लेटफॉर्म में यही काम करता है, जो बाहर निकले हुए बाल होते हैं वो सिंपली एक झटके में वो कट आउट करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में वीडियो बताने वाला था, तो दोस्तों मैंने बता दिया। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों ये वीडियो कैसी लगा, और मैं इसी टाइप से वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चाहे तो आप मुझे वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।